ओके सो वेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज तो हम लोग जब रिपोर्ट बनाते थे या कुछ भी ऐसा रीज टू प्रजेंट एनी थिंग या कहीं से इंफॉर्मेशन ढूंढना है या कोई प्रैक्टिकल है या कुछ है तो टीचर्स यूजली कहते थे कि विकीपीडिया से मत कॉपी करना वहाँ पर कोई भी लिख सकता है ठीक है तो आजकल जो बुक्स आ रही है ना स्पेशली नीट कैटेगरी में वो विकीपीडिया बुक्स हैं बेसिकली एनी बडी एंड एवरीबडी इज़ पब्लिशिंग ए बुक पहले बुक का कोई मतलब होता था जब लोग बुक बुक लिखते थे तो उसके अंदर पब्लिशर है उससे पहले एडिटर है उससे पहले अगर दो चार लोग और पढ़ेंगे तो जितने लोग पढ़ते थे एक किताब को बिफोर इट गेट्स पब्लिश्ड उसका मतलब होता है उतनी नज़रों के सामने से वो बुक निकली और उतना करेक्शन उसमें होता गया क्योंकि आपने भी रियलाइज़ किया होगा कभी कभार वैन यू राइट समथिंग और आप उसको दोबारा पढ़ते हो तो कुछ गलतियाँ हैं जो आपके दिमाग में आती ही नहीं है है ना कुछ गलतियां जो आपको दिखाई ही नहीं देती अपनी बट सामने वाले को बहुत ऑब्वियसली दिखाई देता है चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे वो फैक्ट का कुछ गड़बड़ हो चाहे कुछ भी हो तो अर्लियर दिस यूज टू बी द नॉर्म ऑफ पब्लिशिंग बुक्स बुक्स पब्लिश तब किए जाते थे जब उसके पीछे पचास लोग काम करते थे जब फैक्ट चेक होता था एक्सपीरियंस uh, लोग किताब लिखते थे थैंकफुली अभी तक एनसीआर इज नॉट बींग रिटन बाय दीदी भैया एंड इनफ्लुएंस टीचर्स बट बाई लेजिट पुराने जिन्होंने पढ़ा है पढ़ाया है सालों तक बीस पच्चीस तीस साल का एक्सपीरियंस है और फिर वो किताब लिख रहे हैं पहले बुक्स का मतलब द फाइनल रिजल्ट ऑफ बिकॉज पब्लिशिंग अ बुक वाज नॉट दैट इजी है ना इतना आसान नहीं था तो इसलिए जब बुक्स पब्लिश किए जाते थे तो बहुत आ, या तो एक्सपीरियंस लोग या जिनके पास पैसा वैसा है तो वो लोग बहुत मेहनत कर कुरा के पब्लिश करते थे किताब बट नाउ इट्स टू ईजी ज़्यादातर पब्लिकेशन्स के पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी प्रिपेयर होता है जिसपे जो फेमस हो गया है उसका नाम लगा के बेच देते हैं बुक जिसमें कि कुछ परसेंटेज उस इंसान को मिल जाता है और बाकी पब्लिशिंग हाउस कमाता है ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है मैम ठीक है ना तो क्या ही फर्क पड़ता है फर्क ये पड़ता है कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो बहुत सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं एट योर लेवल हाँ हर चीज़ का रीज़न आपको मिल जाएगा क्यों कहाँ किस लिए है बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मेनली अलॉट ऑफ थिंग्स आर फैक्ट बेस्ड ठीक है अब उस फैक्ट में अगर गलती है तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया ना किसी चीज़ को पहली बार समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस चीज़ को पहले भुलाओ गलत चीज को पहले भुलाओ फिर नई चीज याद करो ठीक है ये गेरी माई पॉइंट तो जब आप गलत फैक्ट्स याद करते हो गलत इक्वेशन याद कर लिया गलत रीजन याद कर लिया किसी चीज का तो आपकी जो रीजनिंग है ना द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल थिंग गोज फ्लैट और तब समझ में नहीं आता कि यार सब कुछ तो पढ़ा हुआ है बट फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे गलती कहां हो रही है गलती यहां हो रही है उन बारीकियों में हो रही है जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर पॉइंट और कॉन्सेप्ट को लेके उसका रीजन ही गलत है सो इफ यू हैव अ रॉन्ग रीजन बिहाइंड योर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन बिहाइंड योर कॉन्सेप्ट तो फिर आप पकड़ भी नहीं पाओगे आफ्टर अ पॉइंट कि गलती क्यों हो रही है और कहां हो रही है और किस वजह से हो रही है ठीक है बुक्स आज की डेट में केमिस्ट्री टीचर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी किताब लिख दे रहे हैं क्या करना है किताब लिखने के लिए कहीं से चार किताब उठाई उसमें से पैराग्राफ 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 असेंबल किया छाप दिया अच्छा सुंदर फॉन्ट आ गया कोई टाइप करने के लिए मिल गया टाइप करने वाले भी आराम आर से मिल जाते हैं एंड सो एन एंड सो फोर्थ क्वेश्चन की जहां तक बात है क्वेश्चन अगेन मैंने बोला है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या आपके पास कोई पुराना पब्लिकेशन अच्छा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या, या कहीं किसी छोटे शहर में टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ में जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे टीचर्स मेहनत करके क्योंकि किसी ने बहुत दिल से शायद वो छोटा सा इंस्टीट्यूट अपने अपना स्टार्ट किया हो है ना तो वो चाहते हैं साहब अच्छा हो कोई ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं उन्होंने एनसीआर की लाइन बाय लाइन के क्वेश्चन बनाए होंगे ऐसी जगहों से किताबें आ जाती है वो Uh, कोई अपना नाम लगा के छाप देता है बी अवेयर ऑफ सच रैंडम नॉन सेंस प्रोडक्ट दैट आर बींग सोल्ड ऑनलाइन ठीक है अगेन फिर से ही बता रही हूँ ध्यान रखना फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए और किसी भी कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग गलत नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगेन पकड़ भी नहीं पाओगे पिन पॉइंट भी नहीं कर पाओगे कहां पे प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से कौन सी किताबें रखनी जरूरी हैं और बाकी सब एलिमिनेट कर दो वो गलती मानी भी जाएगी एन टी ए भी मान लेगा ठीक है तो एनसीआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब कहीं पर अगर डाउट आ रहा है कि आंसर क्यों है क्या है तो आपको आंसर एक्सप्लेनेशन भी प्रीवियस ईयर का भर भर के मिल जाएगा सब जगह क्वेश्चन uh, Uh, कि जो आप बुक लोगे वो अच्छी पब्लिकेशन के लोग जैसे आपको पता है एम टी जी इज गुड फिजिक्स के लिए जो भी, जो भी आपके टीचर्स बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं सम रेफरेंस बुक्स दैट हैव बीन हैच सी वर्मा फिजिक्स का जितना मुझे याद है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री uh, के लिए भी जो टीचर एंड केमिस्ट्री अगेन इज वेरी ट्रिकी क्यों क्योंकि उसके तीन पार्ट्स जो है ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सारे टीचर्स बिल्कुल टॉप क्लास चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज भी एक्सपीरियंस वाइज भी टू राइट अ किताब ठीक है वही प्रॉब्लम हो गया है कि कॉन्फिडेंस समबडी हु नोस थिंग्स हैव द कॉन्फिडेंस फॉर इट एंड समबडी हु नोस नॉट इवन टेन परसेंट ऑफ इट हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और उस चक्कर में टू बी वेरी फ्रैंक मैं आज तक किताबों को बहुत अल्टीमेट मानती आई थी बट अब नहीं मानती क्योंकि यू नीड टू मेक श्योर दैट द ऑथर इज़ गुड यू नीड टू मेक श्योर दैट द पब्लिकेशन इज गुड एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन uh, है उसको प्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है ठीक है तो एन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल काफ़ी टाइम से स्पेशली जो बहुत पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मटेरियल काफ़ी टाइम से यू नो स्क्रीनिंग में रहे हैं करेक्शंस होती रही हैं तो वो भी ठीक है उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है Uh, कुछ रेफरेंस किताबें हैं जैसे ट्रूमैन वगैरह थे उनको उतना डिटेल एज ए स्टूडेंट आपको नहीं चाहिए हाँ एज ए टीचर किसी को रेफर करने के लिए जरूरत पड़ सकती है आपको कोई लाइन या कॉन्प्ट समझने के लिए जरूरत पड़ सकती है उतना ई बुक वगैरह मिल जाता है सो डोंट हैव टू बाय कोई किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोचिंग मटेरियल और क्वेश्चन सॉल्विंग ठीक है और चाहे अगर किसी इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन बैंक उठा रहे हो जो दो, दो ही इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन में उनके अगर आप क्वेश्चन बैंक पे ले रहे दैट इज टोटली परफेक्टली फाइन फॉर नीट ठीक है इसके अप एंड बियॉन्ड मत क्रिएट करो अपने लिए नॉनसेंस कोई ना कोई बुक छाप देता है सौ दो सौ तीन सौ रुपये की किताब छाप दी मैम क्या जा रहा दे है तीन सौ रुपये दे देते हैं तीन सौ रुपये दे तो देोगे तुम उसमें कुछ नहीं जा रहा बेटा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं एक महीने का फ़ोन का नेट का रिचार्ज जितना पड़ेगा चाहे तुमको लेकिन अगर उसमें गलतियां हैं तो वो गलतियां तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और उन गलतियों का जो कॉस्ट है दैट इज टू हाई दैट इज जस्ट टू हाई ठीक है सो बी अवेयर ऑफ एनी न्यू नेम्स अपियरिंग इन क्वेश्चन और बुक्स एंड लब लाब ला बिकॉज मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला है कि अपेरेंटली सबको किताब छाप रहे एंड आई एम स्टिल लिटल डाउटफुल अबाउट इट ऑल द बेस्ट फॉर यीपरेशन